बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने का फैसला ले लिया। पूरा देश हैरान है कि क्या वजह थी जो उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। उनके ऐसा करने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म पर बहस तेज हो गई है। कई एक्टर्स अपनी आप बीती साझा कर रहे हैं। वहीं करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर और आलिया भट्ट के साथ सलमान खान लोगों के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह का पुराना फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में अरिजीत सिंह ने लिखा है कि वो सलमान से कई बार माफी मांग चुके हैं, अब सबके सामने माफी मांगने का यही तरीका बचा है। शेयर करने वाले यूजर ने सलमान खान को क्रिमिनल कहा। साथ में लिखा, तुमने ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय और सिंगर अरिजीत सिंह के साथ कई लोगों का करियर खत्म करने की कोशिश की। इस बीच विवेक ओबेरॉय सलमान खान की लड़ाई वाला मामला भी काफी तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। इस बीच विवेक ओबेरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का प्रमोशन करते हुए विवेक का इंटरव्यू भी वायरल होने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रमोशन करते हुए विवेक से एक इंटरव्यू में पूछा गया, अगर सलमान खान को सच बोलने का सिरम यानी कि सच बोलने की घुट्टी पिला दी जाए तो आप उसके बाद उनसे क्या पूछोगे। इस पर विवेक ने कहा, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप माफ करने में यकीन रखते हैं। ये बात बाहर आते ही आग की तरह फैल गई और ये भी साफ हो गया कि विवेक आज भी सलमान से माफ किए जाने के इंतजार में है। वैसे वो इससे पहले भी कई बार सलमान से माफी मांग चुके हैं मगर सलमान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये बॉलीवुड है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सालों हो चुके हैं इस बात को, क्या पता सलमान बोल उठे। और अगर ऐसा एक पर्सन भी हो जाता है तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान इस माफी का क्या जवाब देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सलमान ने आज तक कोई लड़ाई नहीं सुलझाई है। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक पार्टी में शाहरुख ने कटरीना और सलमान के बारे में मजाक कर दिया, जिस पर सलमान को गुस्सा आ गया, उनकी लड़ाई हो गई। लेकिन फिर कुछ समय के बाद सलमान ने शाहरुख की बात को भुला दिया, उन्हें माफ कर दिया, उनसे अपने संबंध ठीक कर लिए। इसलिए शायद इस मामले में कोई ऐसा स्कोप हो, बाकी तो सलमान ही जाने। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।